जी अम्मा, यहाँ क्यों आ गए? नींद नहीं आ रही? इतने मजे की ठंडी हवाएं चल रही ना अम्मा, दिल तो चाह रहा है इधर ही सो जाऊं। ठंड लग जाएगी, अंदर आके सो। थोड़ी देर बाद आ जाऊं? हाँ ठीक है, मैं जल्दी आना। हाँ आया। माचिस ला दे यार बाबर। माचिस ला दे यार। आया। तौबा रेहान, बुरी चीज होती है, छोड़ क्यों नहीं देते हैं आप? अच्छा, तू मेरे लिए खाना भी ना छोड़ सकता है? आप कह के तो देखें। इतना प्यार करता है मुझसे? आजमा के देख लो। आजमाया तो हुआ यार, ये बात तो है। सुगड़ तो तू बहुत है कसम से, सारे काम आते हैं तुझे, साफ सफाई, घर का ख्याल रखना, पानी भरना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, और किचन का काम तो तू बहुत ही अच्छा करता है भाई। क्या लज्जत है तेरे खानों, सबसे अच्छे तो पराठे बनाता है। तुझे पता है मुझे मेरी माँ के हाथ के पराठे सबसे ज्यादा पसंद थे, और तेरे हाथों में वही जायका है जो मेरी माँ के हाथ में था। अम्मा, अम्मा, शैला अम्मा गए। क्या हुआ अम्मा? क्यों बेचती हो भाई को दुकान पे? मना किया ना मैंने, अगर वो दुकान पे बैठेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा। पागल हो गया, वो तेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है या बड़ी बहन? अम्मा सब लोग मजाक उड़ाते मेरा, तुमने शादी है, चाल डाल देखी उनकी? बकवास करने दिया कर मोहल्ले वालों को, मोहल्ले वाले हमारे यहाँ राशन नहीं डलवाते जो तू उनकी बातों में आ जाता है। अम्मा वकार भाई गलत तो नहीं कह रहे? दस्तरखान लगा, अपना काम कर, चल चलो। वकार, भाई को भाई से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन बस अम्मा, रंग रंग देखे मुझे मोहब्बत नहीं, नफरत है उनसे। तो भाई बिल्कुल दिमाग से, दुकान पर ही मरना। बाबर यारा, तू ऑपरेशन करा के लड़की क्यों नहीं बन जाता? तेरे जैसे कितने खुसरे, मेरा मतलब है तेरे जैसे जो है ना, ऑपरेशन कराकर लड़की बन गए, कसम से तू भी बन जा, हैं? बाबर से बाबरा बन जा, मिसेज रेहान, फिर मैं भी तुझसे शादी कर लूंगा। क्या तुझे क्या लग रहा है, झूठ बोल रहा हूं मैं तुझसे, मजाक कर रहा हूं? 6 सालों में कितना झूठ बोला है मैंने, कितना मजाक किया है? कभी नहीं।
चाय नहीं पिलाएगा? और पराठा? इससे पहले कितनी बार आपको बगैर पराठे के चाय दिए? पराठा। इतनी रात को घर से बाहर मत रहा कर, दिल डरता है मेरा। मुझसे डर लगता है? नहीं, जमाने से डर लगता है। तू था कहाँ वैसे? रेहान के पास। मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। बहुत रात हो गई है, सो जा। अम्मा खाना बहुत मजे का बनाया, बहुत लजीज। बाबर ने बनाया? क्यों पकवाया इनसे? मुझे कराहियत आती है इनसे। क्या बदतमीजी है, होश में तो हो? हाँ माँ, अभी तक तो होश में हूँ। इनसे क्यों पकवाती है? हजार बार का है, इनके हाथ की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तुम ये चाहती हो कि मैं भूखा रहूँ? बकार खुद दुकान पर बैठने नहीं देता। मैं घर पर रहकर तेरा हाथ ना बढ़ाऊं तो फिर मैं और क्या करूं? घर छोड़कर चला जाऊं? मम्मा वो तो कमाता है ना, इसलिए हंगामा करता है। शैला भी मुझसे मुंह बनाकर रखती है। तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना बाबर, उसे स्कूल से लिया तो मैं चला गया। सारे रास्ते उसने मुझसे कोई बात नहीं की। क्या मैं इतना बुरा हूं मम्मा कि सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तू क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत करती है? तू क्यों मुझे अपने सीने से लगाती है? तुझे मैं मुख्तलिफ क्यों नहीं लगता? इसलिए कि तू सबसे अच्छा, सबसे प्यारा है। जिंदगी इसी तरह चलती है बेटा, इंसान पहले गिरता है, फिर संभलता है, फिर उठ के खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। यही है जिंदगी की कहानी। तुझे याद है जब तू छोटा सा था, कहता था अम्मा मैं डॉक्टर बनूंगा, जब तू बीमार होगी तो मैं तेरा इलाज करूंगा। याद है? तू कितना जहीन है, तेरा दिमाग इतना चलता है, तू पढ़ता क्यों नहीं? बहुत पढ़, इतना इल्म हासिल कर ले कि तेरे बराबर कोई खड़ा ना हो सके। पढ़ेगा ना? पढ़ेगा, वादा कर।
अरे चमकी रो तो मत। अरे हाँ बात कर लूंगी ना नादरा से, डंगोर खाने में उसकी बड़ी वाकफियत है। अब रोना बंद कर दे, मैंने तुझे मना किया था कि उस पंक्चर वाले से दिल ना लगा। मुझे तो वो शक्ल से ही बीला लगता था, अब देख ले। अच्छा बात सुन, शाम को सुमेरा, गुड्डू और नगीना आ रही हैं, मिलके अड़ियल चमकताल करेंगे। अरे रोना तो बंद कर दे, अभी नरगिस जिंदा है, तू भी आ जाना शाम को अड़ियल तड़ावा करके। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय मुहूर्त, हाय तूने तो डरा ही दिया। हाय मुहूर्त है ना? मुहूर्त मैं समझा नहीं। हाय अच्छा ये ना समझी तो, अगर समझ जाती ना तो दीवार से सर टकरा टकरा कर मर जाती। ऐसे क्या देख रही है? आप कहाँ रहती हैं? आई अपनी खोल में रहती हूँ, और क्या यतीम खाने जाके रहूं? तू क्यों पूछ रही है? मिलना था आपसे। आई मिल नहीं रही तो क्या धुरवा रही है? नहीं आराम से आपके घर आकर कुछ बात करनी है। बात सुन, अगर धुरवाने का मन है ना तो मैं अपनी खोल ऐसे गंदे कामों के लिए नहीं देती। नहीं मैंने आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। आप एक बार मुझसे मिल लें, उसके बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूँगा। सारी दुनिया देखी है मैंने, लोग गलत कहते कि खून को खून खींचता है। मैं तो कहती हूँ रूह को रूह खींचती है। आएगी बार बार आएगी। इन खुसरों के पास ना बड़े गुर होते हैं। तू खामखा डर रहा है, एक तो तू डरता बहुत है। सच्ची मोहब्बत ना मोहतात होकर नहीं की जाती, सच्ची मोहब्बत में इंसान चलता रहता, पीछे पीछे चुपचाप। वो बात नहीं है रेहान। देख यार मेरे पास पैसे होते ना तो मैं खड़े खड़े तेरे हाथ पर रख देता। मेरे हालात का तो तुझे पता है, कर्जों में डूबा हुआ हूं। क्या ऐसे क्या देख रहा है? आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना? मैं तुझे ऐसा लगता हूं, ऐसा लगता हूं मैं तुझे, नहीं हटूंगा पीछे। मेरी जान मेरी बाबरा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। सारे जमाने में बदनाम कर दिया आपने। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? संभाले इन्हें, संभाले। अब ये झुमके बाजियां घर में बैठेंगे। खबरदार, शर्म नहीं आती, भाई पे हाथ उठाता है। इनको शर्म नहीं आती, सारे जमाने में बदनाम कर दिया। लोग आके मुझसे पूछते हैं, भाई तुम्हारे को छक्का भाई, मुझे गाने के घर में नहीं छोड़ा। Okay.
ये सब कुछ करना था, दरवाजा बंद कर लेता, क्यों नहीं किया? मैं क्या हो गया? उम्र भर के लिए थोड़ी जा रहा हूं, थोड़े से दिनों के लिए जा रहा हूं, आ जाऊंगा। इतने महीनों से अम्मा से दूर था, जब उसे पता चला ना मैं आ रहा हूं तो खुश हो गई। मुझे भी साथ ले चले। पागल हो गया? जूते पड़वाएगा क्या? अगर तू ऑपरेशन करवा लेता ना तो मैं भी खुश, तू भी खुश और अम्मा भी खुश। हाँ भाई आ गया, आ गई ना गाड़ी? हाँ ठीक है, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। चल भाई गाड़ी आ गई। ले भाई देर हो रही है, घर का ख्याल रखना, वो तो तू रखेगा ही, और अपना भी ख्याल रखना। जल्दी आ जाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना। तेरी तरह मैं भी दो कश्तियों में पैर रखे रखे पागल हो गई थी। 35 बरस हो गए, लैया जाके ऑपरेट करवाया था, जब तो पूरे 50,000 लगे थे। अब तो डॉक्टर बड़ा महंगा हो गया है, 2-2.5 लाख से कम नहीं लगेंगे। लेकिन तू तो बहुत चीजी है, तेरे लिए क्या मुश्किल। आईना है ना आईना, मेरी चेली, दिन के 2,500-3,000 कमाती है, नेट भी लगाती है। अरे फिरोजा, ओ फिरोजा, बहन के लिए चाय लेकर आ। ये चमकी और फिरोजा है ना, तैयार हो रही है शादी के फंक्शन के लिए, बड़ा अच्छा नाचती है। नाचता तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तब परदासियों से दोस्तियां कर, सिर्फ नाचने से तू ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएगी। नेट लगा, नेट, फिर देख कैसा हुन बरसता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जो तेरा गिरिया कह रहा है ना कि वो तुझसे शादी करेगा, अपने घर ले जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुकर जाए और तू ऑपरेशन भी करवा ले। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है, अंधा एतबार है मुझे उन पर। वो मुझे कहते हैं बाबर, तू बाबर से बाबरा हो जा, मैं तुझसे शादी कर लूंगा। झूठे होते हैं गिरिये सारे, सारे गिरिये ना ऐसे ही होते हैं। अगर तेरा गिरिया इतना ही अड़ियल था तो नारके क्यों नहीं देता था? उनके तो पहले ही हालात खराब हैं, पहले से ही बहुत कर्जा है उन पर। चल गांडरा, मैंने जो समझाना था समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी, जो दिल में आए वो कर। हाय हाय चीसी। मेरी चढ़ी दी जवानी सजड़ा,
बुलावे तेनू अखियां मार के तू मेरी चढ़ दी जवानी सजना बुलावे तेनू अखियां मार के तेरी ना तू करे बेईमानी पतली कमर मेरी टोर मस्तानी तेरी मैं तेरी ना तू करे बेईमानी प्यार दा कलावा पके होवी ना तू दूर सजना मैं तेरे पीछे हो गए मजबूर मेरे दिल दा चोर बां फड़ के मोड़ ओ मेरे दिल दा चोर बां फड़ के मोड़ मुड़ जा बुलावे तेनू अखियां मार के ओ मेरी चढ़ दी जवानी सजना बुलावे तेनू अखियां मार के अखियां मार के अखियां मार के अखियां मार के ये कर नहीं सकते। मैं कह रही हूं आपको नहीं पता इन्होंने क्या किया। मोहल्ले वालों ने शिकायत की है। क्या किया इसने बता मुझे। क्या किया इन्होंने बता मुझे। पूरे मोहल्ले में लड़की वाले कपड़े पहन के नाच रहे थे। मुझे इम्तियाज ने बताया। मैं की जान पर जान ले लूंगा। बस अम्मा अब इस घर में ये रहेंगे हमें। आप फैसला करें। फिर भी हल्का नहीं करे। क्यों करते ये इनको। दो कश्तियों में सवार नहीं रह सकता। खुद से जंग लड़ते लड़ते थक गया हूं। अपने ही आप से जंग लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मां कोई कैसे अपनी रूह से लड़ सकता है। दिन गुजारना अजाब हो जाएगा। रातों को उठ जाता हूं और एक ही सवाल पूछता हूं। गहरा सन्नाटा छाया रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मैं तुम मुझे अपना बेटा मानती है ना। मैं ही हूं मैं तेरा बेटा। वकार और शैला मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैं वो भी नहीं हूं। मैं कौन हूं अम्मा। क्या हूं क्यों हूं कौन हूं अम्मा। मैं कौन हूं। चकरा गए ना। मैं भी जब खुद को पहली बार देखा था बहुत दर्द हुआ। ऑपरेशन में नरगिस गुरु बहुत साथ दिया उसने मेरा। और अम्मा खुदा सबको अम्मा जैसी माँ थी। ठीक ही तो कहते हैं किनारा मिलना बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। और आपने भी तो कहा था
ऑपरेशन करवा ले तो मैं भी खुश, तू भी खुश और अम्मा भी खुश। दिमाग खराब हो गया तेरा, ये क्या हुलिया बना लिया? मैं तुझसे शादी करूंगा, तुझसे निकाह हो चुका है मेरा। किन आ रही है मुझे तुझे देखकर? मैं तो मजाक किया करता था, तू दबाओ यहां से, दबाओ। आइंदा ये नजर बताना, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसको कहा था। आइंदा मेरे दरवाजे पर नजर आए ना तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। कभी पीछे नहीं हटूंगा मेरी बाबरा। Oh, my God.